चारधाम भारत के चारों दिशाओं में स्थित है, जिनमें से पूरी पूर्व दिशा में है। हाल ही में लॉकडाउन के बाद हम इसी जगह में गए थे, जहां पर हमने जगन्नाथ दर्शन किया, पूरी बीच में खूब मजे किए और बीच मार्केट को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया। अगर आप भी लॉकडाउन के बाद पूरी जाना चाहते हैं, तो समझदारी इसी में है कि पहले आप वहां के कोविड गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद ही अपना टूर प्लान बनाएं। टूरिस्ट के लिए पूरी में क्या कोविड गाइडलाइंस है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और साथ में पूरी जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का चैप्टर्स मिल जाएगा, रेस्पेक्टेड टाइम के ऊपर क्लिक करके आप कोई पर्टिकुलर विषय को देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। हम हावड़ा से हावड़ा पुरी स्पेशल ट्रेन से पुरी गए थे। हावड़ा या फिर पुरी कहीं पर भी हमसे थर्मल चेकिंग, कोविड टेस्ट का रिपोर्ट या फिर डबल वैक्सीनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया था। हमारी ट्रेन थी शाम के 7:05 पे और सुबह 4:30 हम पुरी पहुंच गए थे। पहले दिन हम गए थे जगन्नाथ दर्शन के लिए। 12th century में बनाया गया ये मंदिर हिंदुओं के लिए बस एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि हिंदू आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन निदर्शन भी है। ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर और श्राइन स्थित है। सूत्रों के माने तो ये संख्या हो जाता है 120। मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगा एक ह्यूज मार्केट, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और टहल सकते हैं। अगर आप पुरी जा रहे हैं तो यहाँ का खाजा जरूर ट्राई करिएगा। हमने खाजा खाए थे यहाँ के एक फेमस स्वीट शॉप काकातुआ से। काकातुआ मतलब कुकाटू। इस दुकान के बाहर आपको एक सुंदर व्हाइट कलर का काकातुआ देखने को मिल जाएगा, जो अपनी ही धुन में मस्त रहता है। खाने के लिए पूरी बीच में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि मैगी, डिम टोस्ट, चाय, कॉफी, भेलपूरी, मोहन मोहन स्वीट एक्सेट्रा, और हमने ये सब कुछ ही ट्राई किए थे। बीच के बाजू वाले रोड साइड में जो मार्केट है वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि पानी पूरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश आइटम्स एक्सेट्रा। यहाँ पर हमने खाए थे फालूदा, जिसका टेस्ट था लाजवाब। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जिनमें से हम गए थे बिग बॉस में। नहीं नहीं, ये वाला बिग बॉस नहीं, बल्कि ये वाला। यहाँ पर हम खाए थे चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का कबाब, चिकन हरियाली कबाब एक्सेट्रा। खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्राइस मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। पूरी से एक दिन हम साइट सीइंग के लिए कोणार्क सन टेम्पल के साथ साथ धौलीगिरी शांति स्तूपा, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, लिंगराज टेम्पल भी गए थे। हमारे पूरी साइट सीइंग का वीडियो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको एकदम लास्ट में एंड स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन लिंक्स को एक बार जरूर विजिट करिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के कुछ FAQs का जवाब दे देती हूँ। तो एक सवाल जो लोगों के मन में अक्सर रहता है वो है ये है कि व्हाट आर द पूरी कोविड गाइडलाइंस फॉर टूरिस्ट। मैं पुरी आई थी नवंबर 2021 में और उस टाइम पे कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं देखा। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब तो कॉमन रिकमेंडेशन है, लेकिन इसके अलावा कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस तो नहीं दिखी। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जाने से पहले आप एक बार वेबसाइट ऑफ पुरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और
उड़ीसा टूरिज्म का गाइडलाइन फॉर योर सेफ्टी वेब पेजेस को चेक कर लीजिए। इन दो साइट का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो ओवरऑल में मैं यही कहूँगी कि पूरी करंट सिचुएशन टूरिस्ट के लिए सूटेबल है और आप बेझिझक अपना पूरी टूर प्लान कर सकते हैं। लोग मुझसे ये सवाल भी पूछ रहे थे कि पूरी सी बीच खुला है कि नहीं, तो देखिए इसका जवाब है हाँ, पूरी सी बीच खुला था। हम स्वाग द्वार सी बीच के आसपास ही थे और ये बीच पूरी तरह से खुला था फॉर ऑल। इस बीच को मैंने जितना देखा उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद ये बीच अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। हर तरह के एक्टिविटी जैसे कि हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग के साथ साथ बहुत तरह के खाने का ऑप्शंस भी अब खुल चुका है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पूरी जगन्नाथ टेम्पल की। तो ये मंदिर भी अब खुल गए हैं, लेकिन जगन्नाथ दर्शन के लिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। मेरे हिसाब से जगन्नाथ टेम्पल भी आप धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, और अगर आप जगन्नाथ दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ ज्यादा कठिनाइयों की सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी जगन्नाथ टेम्पल कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताने लायक सिग्निफिकेंट तो कुछ है नहीं, बस वही अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर साथ में रखना अगर आप जगन्नाथ दर्शन करना चाहते हैं तो। और एक बात ध्यान में रखिए कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे नवंबर 2021 के टूर एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा हूँ। अब जब भी जाएंगे तो अपने तरफ से थोड़ा सा रिसर्च करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए है तो इसे लाइक करके कमेंट पे जय जगन्नाथ जरूर लिखना। जाते जाते आपको ये बताता हुआ चलो कि इसी टूर में हमने रघुराजपुर भी गए थे जो कि एक हेरिटेज क्राफ्ट्स विलेज है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। तो अभी चलती हूँ। जय जगन्नाथ।